और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। मिर्जापुर में से बंधक बनाए गए मजदूरों को कराया गया मुक्त। मजदूरों को ट्रैक्टर में बैठाकर भेजा गया स्टेशन। कल मजदूर पहुंच सकते हैं जिला जांजगीर चांपा। वही इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी इस खबर को, जहां मिर्जापुर जिला प्रशासन के सहयोग से मजदूर छूटे हैं। बंधक मजदूरों को मिली भट्टा मालिक से मुक्ति। वहीं सेमरा गांव के 15 लोगों को भट्टा मालिक ने बनाया था बंधक। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इंडिया न्यूज की खबर का ये बड़ा असर होता नजर आ रहा है। प्रमुखता से इंडिया न्यूज के द्वारा इस खबर को बार बार दिखाया गया, जिसके बाद आपको बता दें इस खबर का असर कुछ इस प्रकार से हुआ है कि मिर्जापुर से बंधक बनाए गए मजदूरों को मुक्त करवा लिया गया है। उनको पूरी आजादी अब मिल चुकी है। जहां आपको बता दें कि जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रैक्टर पर बिठाकर मजदूरों को स्टेशन पर भेजा गया। मिर्जापुर से बंधक बनाए गए तमाम मजदूरों को मुक्त किया गया। मजदूरों को ट्रैक्टर में बिठा करके स्टेशन भेजा गया है। वहीं कल मजदूर पहुंच सकते हैं जिला जांजगीर चांपा। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता दुर्गेश यादव हमारे साथ जांजगीर चांपा से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दुर्गेश, इस पूरे विषय को लेकर के किस तरह की अपडेट आपके पास, और इसके बाद जो तमाम मजदूर हैं उनकी प्रतिक्रिया किस प्रकार से देखी जा रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये कल जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के पास, जो कि मजदूर के एक परिजन है मुकेश सहित, वो अपनी पत्नी और 15 माह के बच्चे को बंधक बनाने सहित कुल 15 लोगों की रिहाई की मांग को लेकर के कलेक्टर और एसपी के पास मदद के लिए पहुंचे हुए थे, जिस पर कलेक्टर के निर्देश पर लेबर ऑफिसर घनश्याम पणिग्रह के द्वारा आपसी सामंजस्य से जांजगीर चांपा जिला प्रशासन और मिर्जापुर जिला प्रशासन के आपसी सामंजस्य से मजदूरों को मिर्जापुर के भट्टे से करा लिया गया है, जिन्हें कल आज मिर्जापुर स्टेशन से 10 बजे जांजगीर चांपा जिले के लिए रवाना किया जाएगा। जी बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए साफ तौर पर प्रमुखता से इंडिया न्यूज के द्वारा इस खबर को बार बार दिखाया गया, जिसके बाद ये आजादी, ये मुक्ति इन सभी तमाम मजदूरों को यहाँ पर मिली है। हालांकि इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई देखी जा रही हो पुलिस के द्वारा? जी, इस पर जिले के श्रम अधिकारी का कहना है कि अगर बंधक बनाया गया है तो उन्हें बंधक का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और यहाँ आने के बाद वो पुष्टि की जाएगी। कल यहाँ करीबन वे शाम को पहुंचेंगे जांजगीर चांपा जिला, जिसके बाद वहीं देखा जाए तो मजदूरों ने इंडिया न्यूज के प्रति आभार व्यक्त किया है। लेकिन अब चलिए, आपका बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।